दोस्तों एक बार वापस से मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ब्रांड न्यू एपिसोड WTF का, जहां पे हम लेते हैं क्विक रीकैप टू अंडरस्टैंड कि आखिर क्या हुआ पिछले पूरे हफ्ते में इन द फील्ड ऑफ टेक। एंड लेट मी टेल यू गाइस, द लिस्ट इज पैक्ड बिकॉज चारों तरफ कुछ ना कुछ हलचल है, कुछ ना कुछ हंगामा है, कुछ ना कुछ नया आने वाला है। तो आप सबसे पहले आपका लाइक इस वीडियो में भेज दो और हम बात करते हैं बाद वन बाय वन कि आखिर क्या होने वाला है द फील्ड ऑफ टेक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एज ऑलवेज स्टार्टिंग विद ए फॉर एप्पल। और एप्पल की तरफ से अगर हम बात दोस्तों करें खबरों की, तो सबसे पहले बात करते हैं एप्पल के अपकमिंग इवेंट WWDC के बारे में। और यहां पे भैया स्टेज पूरा सेट है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, एंड यहां पे इट्स गोइंग टू बी ऑल अबाउट AI, यानी कि कैसे नया वाला जो iOS 18 आएगा या iPad OS 18 आएगा या नया वाला Mac OS, TV OS, Watch OS वगैरह आएगा, उसमें अभी हमको देखना होगा कि एप्पल कौन से नए नए AI वाले फीचर्स को इंप्लीमेंट करके एक्साइटमेंट और बढ़ा सकता है। वेल गाइस, इफ यू आर एक्साइटेड अबाउट द न्यू आईफोन्स, लेट मी टेल यू कि अभी लेटेस्ट लीक्स निकल के आए हैं और वो हमको बताते हैं कि आईफोन 16 प्रो जो है वो थिनेस्ट बेजल्स को लेके आएगा इन द एंटायर स्मार्टफोन इंडस्ट्री। मतलब सैमसंग वगैरह से भी आगे निकलने वाला है एप्पल। मतलब लगता है भाई कि एप्पल के जो डिजाइनर्स हैं ना, उन्होंने डाइटिंग को कुछ एकदम सीरियसली ले लिया और अभी अचीव कर लिया है साइज 0 बेजल्स का इन नए आईफोन्स में। वैसे अगर आप इंतजार कर रहे हैं फोल्डिंग आईफोन्स का, तो थोड़ा इंतजार आपको लगता है और करना पड़ेगा, बिकॉज एज पर द लेटेस्ट लीक्स हमें पहला फोल्डेबल आईफोन जो है वो 2027 में जाके मिलेगा। कर लेंगे, हफ्ता भर इंतजार क्या करें, साल भर से तो इंतजार कर ही रहे हो, अब और कितना करोगे। सैमसंग का पहला जो फोल्ड था वो 2019 में आ गया था, जस्ट 8 साल बाद, ज्यादा लेट नहीं एप्पल हमको देगा अगर सब कुछ ठीक रहता है द फर्स्ट फोल्डेबल आईफोन। हाँ, उससे पहले फोल्डेबल आईपैड हमको देखने को मिल सकता है, ये भी खैर लीक्स ही है, लेट्स सी क्या होता है इन द फील्ड ऑफ एप्पल। अब तो स्मार्टफोन चाहे 10,000 का हो या 1,00,000 का हो, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, ट्यू उठा और हिम्मत का घूंट लगा। और वो ऐसा तब होता है जब फोन हाथ से फिसल के नीचे गिर जाता है, तो भैया कहीं स्क्रीन ना टूट जाए, कोई स्क्रैच ना आ जाए, ये सब चिंताएं सताती रहती हैं। और ऐसे में गोरिल्ला ग्लास जो है उसकी प्रोटेक्शन कभी कभी हमको थोड़ी राहत दे देती है। दोस्तों इसी चीज को देखते हुए कॉर्निंग की तरफ से एक नया वेरियंट आ गया है, विच इज द गोरिल्ला ग्लास 7i। और ये होगा खासकर से मिड रेंज फोन्स के लिए, कि अब मिड रेंज फोन में भी जो है उसको गोरिल्ला ग्लास हमको मिल जाता है ना, बट देन अगेन थोड़ा सा और एक स्ट्रॉन्गर वेरियंट मिल जाएगा, ताकि आपका गला ना सूखे जब आपका फोन नीचे गिरे हाथ से फिसल के, आप उसको उठाओ, ऐसा साफ करो और कंटिन्यू कर दो यूज करना, बिकॉज फोन टूटेगा नहीं। दोस्तों NVIDIA की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ गया है रिगार्डिंग द RTX वीडियो वाला पूरा जो फीचर है। मतलब VLC में आपको HDR वगैरह का पूरा मजा मिलेगा, और इनफैक्ट जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वहां पे भी अभी HDR वाली वीडियो एडिटिंग का मजा काफी अच्छा होने वाला है, बट उसके लिए आपके पास में सारा हार्डवेयर होना पहले बहुत जरूरी है। वैसे आप एक बात बताओ यार, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आईफोन में ना HDR वीडियो का ऑप्शन होता है, और मैंने देखा है सोशल मीडिया पे काफी लोग HDR वीडियो वाले ऑप्शन को यूज करते हैं, उसको इनेबल करते हैं, और जैसे ही आप रात को एकदम स्क्रीन में लो ब्राइटनेस के साथ में भी अपना इंस्टाग्राम स्क्रोल कर रहे होते हैं ना, अचानक से अगर कोई आपको HDR वाली रील मिल जाती है तो आपको एकदम स्क्रीन चमक जाता है ऐसे। तो आप किसको प्रेफर करते हैं, नॉर्मल वीडियो या HDR वीडियो? आपने नोटिस किया होगा इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे, व्हाट्स योर टेक, नीचे कमेंट करते हुए जरूर। लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर? दोस्तों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि एक बार अगर रील पे चढ़ गए तो उसके बाद आपको पता है भैया व्हाट हैपेंस, मतलब 3-3 घंटे निकल जाते हैं और हम पता नहीं एक ही दुनिया में खोए रहते हैं। लेकिन दिक्कत तब हो जाएगी यार, मतलब आप सोचो उस दुनिया में खोए हुए हो, वैसे अच्छी बात नहीं है ये, बट देन अगेन आप रील्स देखे जा रहे हो और बीच में एक ऐड मिल जाए और वो ऐड जो है वो ख़त्म होने का नाम ले नहीं रहा है और आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। मतलब अगर गाना बज रहा हो बढ़िया मनोज तिवारी का हिंद के सितारा और बीच में भैया आ जाए ऐड, तो कैसे काम चलेगा? बट देन अगेन क्या कर सकते हैं गाइस, बिकॉज अभी इंस्टाग्राम जो है वो अनस्किपेबल वीडियो एड्स के लिए पूरी तैयारी करके बैठा है। अब क्या, देखो उनका प्लेटफॉर्म है, उनकी मर्जी है, हमें अगर मजा उठाना है तो थोड़ा बहुत तो सहना पड़ेगा। तो दुनिया में ना कुछ ऐसे लोग हैं, और कुछ से मेरा मतलब है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो Google Pixel के बहुत बड़े फैन हैं, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं।
मतलब एग्जिस्ट करते हैं, बस थोड़ा नंबर छोटा है इनका। लेकिन दोस्तों आप सभी के लिए ये गुड न्यूज है फॉर ऑल द पिक्सल फैंस कि अभी जो पिक्सल 9 प्रो XL के लीक्स निकल के आ रहे हैं दे आर वेरी प्रॉमिसिंग कि कैसे हमको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है, साथ साथ बैटरी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट्स होने वाले हैं और जो टेंसर G4 चिप है वो AI के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। बट द क्वेश्चन इज कि किस प्राइस पे गूगल अपने इन्हीं पिक्सल फोन्स को लॉन्च करेगा, बिकॉज लाइनअप जो है वो काफी एक्साइटिंग है। पिक्सल 9 भी है, पिक्सल 9 प्रो भी है, पिक्सल 9 प्रो XL भी है और फिर फोल्डिंग वाला पिक्सल भी तो है। देखते हैं कि इंडिया में कब आते हैं और किस प्राइस पे आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सैमसंग के बारे में तो यहाँ पे सैमसंग लेके आ गया है लेटेस्ट कुछ लीक्स, मतलब सैमसंग लेके नहीं आया, देखो लीक्स तो निकल के आए हैं लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सैमसंग जो है वो अभी अपना नया अनपैक्ड इवेंट रखने वाला ही है 10th of July इन द सिटी ऑफ पैरिस। तो यहाँ पर दोस्तों लीक्स ये है कि हमको FE लाइनअप का भी जो है वॉच वाला पूरा मिल सकता है अपडेट, मतलब फोन तो है ही, देखो आपको पता ही है फोल्ड और फ्लिप, लेकिन साथ में बड्स और वॉच के अंदर भी एक तो प्रो अल्ट्रा वाली हम बातें कर रहे हैं, एट द सेम टाइम FE लाइनअप भी आ सकता है। तो मतलब लगता है कि लाइनअप काफी एक्साइटिंग हो जाएगा और ऑल टुगेदर इट्स अगेन येट टू बी सीन कि सैमसंग क्या क्या चीजें लॉन्च करेगा एंड एट वॉट प्राइस। बट अगर आपको प्राइस का मजा उठाना है तो गाइज राइट नाउ सैमसंग इज रनिंग दिस कैंपेन विच इज कॉल्ड बैक टू कैंपस। ये है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि अगर आपके अभी जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे उस टाइम पे कुछ डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट है तो आप सैमसंग के लैपटॉप्स या टैबलेट्स या बड्स वगैरह पे काफी एक्साइटिंग डील्स का मजा उठा सकते हैं इन द लेटेस्ट सैमसंग बैक टू कैंपस कैंपेन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों नेक्स्ट इज फॉर ऑल द गेमर्स, मतलब अगर आप खेलते हैं पबजी, देखो BGMI भी खेल सकते हो बट देन अगेन पबजी ना नाम में ही थोड़ा सा आपको पता है एक थोड़ा इमोशन जुड़ा हुआ है बहुत पहले से। तो यहाँ पे अभी एक नया अपडेट जो है उसके साथ में आ गया है नया मैप और आप इस मैप में थोड़ा सा नया फ्लेवर जो है वो उठा सकते हो इस गेम का। वैसे क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि देखो नया मैप वगैरह सब आ गया है, पबजी सब एकदम सही चल रहा है, बट होता ही है ना ह्यूमन थोड़ा सा बिहेवियर ऐसा होता है कि हम हर कुछ टाइम बाद किसी नए की तरफ मूव कर जाते हैं, स्पेशली गेम्स वगैरह की बात करते हैं। मतलब एक ट्रेंड था, बीच में फिर शायद कुछ और नया आ जाएगा, कुछ और नया आ जाएगा। तो अभी राइट नाउ आपका फेवरेट गेम कौन सा है, या आप अभी भी BGMI पे और पबजी पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, व्हाट्स योर रिएक्शन, नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है फ्रॉम iQuest ऑन एंड ऑन, शॉर्ट फॉर iQ मतलब। तो यहां पे दोस्तों अभी iQ 13 को लेके लीक्स निकल के आ रहे हैं कि कैसे इसमें 8th Gen 4 होने वाला है और बहुत तेज चार्जिंग होने वाली है और बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस होने वाली है। बेसिकली जैसा iQ हर बार बोलता है अपने नए फोन के लिए, इस फोन में भी काफी सारी परफॉर्मेंस पूरा पैक करने वाला है iQ। बट द क्वेश्चन इज कि फोन कब आएगा और कितने का आएगा वो हमें अभी तक नहीं पता है। वैसे आप ये बताओ यार, मतलब ऑनेस्टली जस्ट रिवाइंड अ बिट, आज से 3 साल पहले का कोई फोन या 4 साल पहले का कोई फोन, आपको नहीं लगता कि परफॉर्मेंस वगैरह सब पीक कर गई थी यार एक टाइम पे? मतलब अभी इट जस्ट अ नंबर के एंतुतु में मेरा फोन 2 मिलियन पे आता है, मेरा फोन 2.5 मिलियन पे आता है, मतलब हम बस अभी उस रेस में लगे हैं। ओवरऑल फोन का जो एक्सपीरियंस है यार वो मतलब यार 4 साल पहले भी हमारा फोन ठीक ठाक ही काम करता था। हाँ, सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट्स AI के फील्ड में और फोन को स्मार्ट बना सकते हैं, बट हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट्स योर टेक, नीचे कमेंट करते हुए जरूर बताना। दोस्तों अगली खबर निकल के आती है इलेक्ट्रॉनिक स्किन के बारे में, ई स्किन के बारे में। बेसिकली साइंटिस्ट जो है वो डेवलप कर रहे हैं इस ई स्किन को और मतलब यहाँ पे रोबोट्स के ऊपर इसको चढ़ाया जाएगा और उसके बाद दोस्तों रोबोट्स जो है वो भी टच का एहसास ले पाएंगे। एहसास ले पाएंगे से मेरा मतलब ये है, देखो सेंसर्स लगा के ना टच तो उनको पता चल जाए, बट विद इस ई स्किन टेक्नोलॉजी बेसिकली कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अब रोबोट भी आउच करने वाले हैं, अगर किसी ने जोर से हाथ मिलाया और हाथ थोड़ा दबा दिया तो इंसानों की तरह जो है वो रोबोट्स को भी दर्द या इमोशन या वो प्रेशर फील हो सकता है। क्वाइट इंटरेस्टिंग, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोबोट्स के लिए। आपका क्या टेक है, आपको क्या लगता है अभी कि ई स्किन से क्या AI या रोबोट से और रियलिस्टिक बनने वाले हैं, बताओ मुझे नीचे कमेंट करते हो। गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीक्स एपिसोड ऑफ WTF जहां पे ई स्किन से लेके फोल्डिंग iPhone हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आप बताओ वैसे कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे हो या आपको क्या लग रहा है भैया टेक की दुनिया में जो पूरी हलचल चल रही है क्या होने वाला है इन द नियर फ्यूचर, नीचे कमेंट करते हुए वीडियो को लाइक शेयर करते हुए। और मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में, फिलहाल में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।